हम जीवन में रोजमर्रा यही देखते हैं कि कुछ चीजें पानी से भारी होती हैं, वो पानी में डूब जाती हैं, और जो चीजें पानी से हल्की होती हैं, वो उसकी सतह पे तैरती रहती हैं। आज हम ठंडे पानी और गर्म पानी के घनत्व के ऊपर की डेंसिटी के ऊपर एक प्रयोग करेंगे। देखिए, गर्म रंगीन पानी है और ठंडा पानी पारदर्शी है। हम एक ड्रॉपर से लेकर के कुछ बूंदे गर्म रंगीन पानी की ठंडे पानी के सतह पर डालेंगे। आप देखेंगे ये गर्म पानी ठंडे पानी की सतह पे तैर रहा है, और ये रंगीन पानी थोड़ा नीचे जाता है ठंडे पानी में, पर फिर सतह पे आके तैरने लगता है। इसके मतलब ये है कि गर्म पानी का घनत्व ठंडे पानी की अपेक्षाकृत कम है, इसीलिए गर्म पानी ठंडे पानी की सतह के ऊपर तैरता है। अगर आप कुछ देर रुकेंगे, थोड़ा इंतजार करेंगे, तो गर्म पानी और ठंडे पानी का तापमान दोनों का एक समान हो जाएगा और आपके ग्लास में पानी का रंग भी एक जैसा हो जाएगा। See the color of the hot water. क्यों है ना मजेदार प्रयोग?